उसको इस तरह से बीच में रोकना शायद गैर मुनासिब है। मुझे नहीं पता कि भूंसा मौजूद है या नहीं मौजूद, मुझे नहीं पता कि आज़म नज़ीर तारण मौजूद हैं या नहीं। मैं उनको अपना एक ख्वाब सुना देता हूँ। कल जब मैंने इस पे वीडियो देखी इसकी, तो फिर मैंने बीबी को काम ना करो, मैं अपनी मर्जी से अपनी बात करना चाहूंगा। देखिए, या तो किसी दोस्त को बुलवाइए या किसी दोस्त को ना बुलवाइए। अगर बुलवाइए तो उसको महदूद ना करिए, और अगर आप महदूद करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने कदगन लगा दिया, उसकी बात पे कदगन लगा दिया, उसको जो कहना चाहता है वो कदगन लगा दिया। बहरहाल मैं अपनी बात करूंगा, बलूचिस्तान से हूँ इसलिए मेरे थोड़ा सा जो है ना, हमारा देखने का जो है वो तरीकाकार मुख्तलिफ है। आप जब यहाँ आवारी में बैठे होते हैं, जब यहाँ लाहौर में बैठे होते हैं, तो आपको आधा गिलास भरा हुआ नज़र आता है। मैं जब क्वेटा में बैठा होता हूँ या मैं बलूचिस्तान में बैठा हूँ तो मुझे आधा गिलास खाली नज़र आता है। आवारी में इस एयर कंडीशन हाल में आपको यकीनन आधा गिलास भरा हुआ नज़र आना चाहिए, मगर मेरी जगह पे आप जब जाएंगे तो आपको आधा गिलास खाली नज़र आएगा। और खुदा के वास्ते उस वक्त से डरिए कि जब वो आधा गिलास भी खाली ना हो जाए। मेरे सूबे में आपने कभी 10 लाशों की, मैं उस 8 अगस्त वाले वाक़े की बात नहीं कर रहा, मैं इसके अलावा की बात कर रहा हूँ, रीसेंट बात कर रहा हूँ। कभी यहाँ लाहौर में आपने 10 डेड बॉडीज़ की बरियल इकट्ठी देखी है? अल्लाह पाक रहम करे, कभी आप दोस्तों ने कभी 10 लोगों को इकट्ठे तदफीन करते देखा है, और वो भी एदी के ज़रिए, और वो भी कि उसका कोई वारिस मौजूद ना हो? अगर आपने नहीं देखा तो आइए मैं आपको अपने सूबे में बताऊंगा। और अगर आप उसके बाद उस पर सवाल करते हैं, आप तो सिविल स्पेस की श्रिंकिंग की बात करते हैं ना, यहाँ तो ऑक्सीजन की श्रिंकिंग की बात है। हमारे पास सांस लेने के लिए आपने स्पेस नहीं छोड़ी है। मुझे कम से कम सांस तो लेने दीजिए ना। आप जो है वो 10-10 लोग एक दिन में बरियल करते हैं, 10-10 लोग एक दिन तदफीन होती है। जब उसके बाद जब उस तदफीन के बारे में अगर क्वेश्चन कर लिया जाए, जब पूछ लिया जाए कि ये 10 डेड बॉडीज आपने एदी के जरिए तदफीन की है, तो ये 10 डेड बॉडीज कहां से आई हैं? तो उसके जवाब में मेरे भाई, जो लोग ये सवाल करते हैं उनके ऑफिसेस को होस्टेज कर लिया जाता है, उनको जो है ना यरगमाल बनाया जाता है, उनको गन पॉइंट पे लिया जाता है। तो आप श्रिंकिंग की बात करते हैं, सिविल स्पेस की, आप सिविल स्पेस को श्रिंक करने की बात करते हैं, मैं जो है ना सांस लेने की बात कर रहा हूं कि मुझे सांस लेने दो। कभी देखा है किसी ने 10 लोगों को इकट्ठे तदफीन होते हुए बगैर वारिसों के? कभी आपके पास किसी ने लाहौर में, कभी आपका कोई भाई, आपका भतीजा, आपका कोई दोस्त, आपका अजीज 2013 से मिसिंग है, कभी आप लोगों ने देखा है? कोई एक शख्स खड़ा होके कह दे कि कभी आप लोगों ने किसी ऐसे बंदे को देखा है जिसके लोग जो है ना 2013 को कितने साल हो गए, जरा गिन के तो देखिए, 8 साल से ज्यादा हो रहे हैं ना। 8 साल किसी के जो है ना घर से कोई बच्चा गायब हो, और उसके बाद जो है ना वो उसके बाद उसको बताया जाए कि नहीं आधा गिलास भरा हुआ है। मेरा भाई, आधा गिलास भरा हुआ नहीं है, ये आधा गिलास खाली है। और उस वक्त से डरो कि जब ये बाकी भी गिलास खाली ना हो जाए, और उस खाली होते हुए गिलास से मुझे डर लगता है। मुझे आपने दो मिनट का काम है, इसको 2 मिनट में ही कंप्लीट कर देता हूँ, मैं 2 मिनट में ही कंक्लूड कर देता हूँ। मुझे दूसरा भी डर लगता है, सिविल स्पेस की श्रिंकिंग की बात आप करते हो, मुझे एक और डर लगता है। सिविल स्पेस की जब श्रिंकिंग की बात करते हो तो बज़ाहिर तीन अदारे जो है ना वो आपके जहन में आ जाते हैं। एक वो जिनका हम नाम नहीं ले सकते, दूसरे वो जिन्होंने कल जवाब दिया, तीसरा वो जो जिसको मैं शीमेल कहता हूँ। 3 अदारे आते हैं ना आपके जहन में, इन 3 अदारों में पहले अदारे की आप टोटल स्ट्रेंथ देखिए कितनी है, 10 लाख से तो ज्यादा नहीं होगी।
दूसरे की आप देखिए तो चंद सौ या हजार दो हजार के लगभग होगी, तीसरे को जो है इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक अदारों को देख लें तो चले वो भी हजारों में होगी। मुझे उनसे डर नहीं लगता, उनके अगेंस्ट विज़ाविज वो 10-12-15 लाख के अगेंस्ट 22-23 करोड़ अवाम है, मगर 22-23 करोड़ अवाम क्यों इफेक्टिव नहीं हो पा रहे, कभी आप लोगों ने सोचा इस बात पर? ये इसके बावजूद जो है ना ये सांस की नाली क्यों जो है ना ये घुटन की शिकार है, ये क्यों सांस दबता जा रहा है, क्यों सांस रुकता जा रहा है, कभी आपने सोचा है? सर मेरे सामने पॉलिटिकल वर्कर्स बैठे हैं, मैं खुद भी पॉलिटिकल वर्कर हूं, इसलिए जो है सिविल से ये श्रिंक हो रहा है कि मैं और आप सारे उस लाइन में खड़े हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए, हम सब उस लाइन में खड़े हैं कि तुम जगह खाली करो और मैं आपकी जगह आके लूंगा, मुझे जो ना वो जगह दे दो। क्या हम सारे अपने गिरेबान में ये जान के देखें कि क्या हम सारे उस लाइन में नहीं लगे हुए? आज का सिनेरियो देख लीजिए, हम इस उसमें आज आप पॉलिटिकल सिनेरियो देख लीजिए, बाकी भी देख लीजिए, हम सारे उसी लाइन में उसी जगह पे उसी तरह से हम खड़े हैं, और जब हम इस तरह से खड़े रहेंगे तो फिर जो है ना वो हमारे वो एडिक्शन उनकी नहीं है, एडिक्शन हमारी है। हम जो कुछ कर रहे हैं हम उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं, इससे पहले जो था वो भी शायद इसी तरह का कोई मंजर था, उस आज के बाद जो होगा वो भी शायद इसी तरह का कोई मंजर होगा। फिर आप गिला किस बात पे करते हैं कि सिविल स्पेस श्रिंक हो रही है? सिविल स्पेस श्रिंक हो रही है जब उस वक्त तक श्रिंक होती रहेगी जब तक मैं आप उस लाइन में लग के रात को दिन को उनसे मिलने के लिए जाते रहेंगे, उनसे मफाद लेने के लिए जाते रहेंगे। आप मफाद लेने के लिए जाइए, कल जो कुछ हुआ, कल यहाँ पे जो भी स्पीच हुई उस स्पीच को जो है ना वो स्पीच शायद इतनी जो है ना वो डैमेजिंग ना होती, उसको तो हिस्टोरिकल कर दिया किसी और ने, उसका जवाब दे के आपने उस तारीख उस स्पीच को तारीखी बना दिया, आज वो तारीख का हिस्सा है। नैरेटिव क्या है आज लोगों का? वो स्पीच जो है नैरेटिव है या उसका जो काउंटर था वो नैरेटिव है? दोनों में से जो आज जो पब्लिक का नैरेटिव है, जो पॉपुलर नैरेटिव है, वो बताइए। अगर वो गलत कह रहा है ठीक है, हम ये कहते हैं कि ठीक है। असल में होता ये है सर कि हमारे साथ मसला ये है कि हमारे साथ तो हम कहते हैं कि हम चौथे बलूचिस्तान वालों के साथ भाई का सलूक कर लीजिए, आप बहन वाला सलूक भी नहीं करते थे, अब वो शीमेल वाला सलूक भी नहीं करते। बहुत शुक्रिया। मैं पहले भी माजरत कर चुका हूँ,